राधे राधे, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 34वां अध्याय। श्री हरि विष्णु और राधे रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे, यही कामना है मेरी। आइए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। ऋषि गणों ने श्री सूत जी से कहा, हे सूत जी, पीपल के वृक्ष का स्पर्श अन्य दिनों में क्यों नहीं करना चाहिए? शनिवार को ही क्यों स्पर्श किया जाता है? श्री सूत जी बोले, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को प्राप्त हुआ था, उसमें से देवताओं ने लक्ष्मी तथा कौस्तुभ मणि विष्णु भगवान को समर्पण किया। लक्ष्मी जी को जब विष्णु भगवान अपनी भार्या बनाने के लिए आए, लक्ष्मी ने कहा, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह किए बिना आप मुझ छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? अतः आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करें, फिर मेरा कीजिए, क्योंकि प्राचीन नियम यही है। श्री सूत जी बोले, लक्ष्मी जी की ऐसी वाणी सुनकर भगवान ने लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह आग्रह पूर्वक उद्दालक ऋषि के साथ कर दिया। वह अलक्ष्मी बड़े मुख, उज्जवल दांत, वृद्ध के समान शरीर, बड़े बड़े लाल नेत्र और रूखे बालों वाली थी। उद्दालक मुनि भी उसे विष्णु भगवान के आग्रह से स्वीकार कर वेद ध्वनि से गुंजित अपने आश्रम में ले आए। हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित वेद ध्वनि से मुखरित उस मनोहर आश्रम को देखकर वह अत्यंत दुखित होकर बोली, अलक्ष्मी ने कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, इस कारण यह आश्रम मेरे रहने के योग्य बिल्कुल नहीं है, अतः मुझे किसी दूसरे स्थान पर ले चलो। यह सुनकर उद्दालक मुनि ने कहा, हे कांते, तुम इसमें किस लिए नहीं रह सकती हो? यह तुम्हारे रहने के योग्य क्यों नहीं है, मुझसे कहो। तब अलक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद ध्वनि, अतिथियों का सत्कार और यज्ञ आदि पूजा पाठ हो, वहाँ पर मैं निवास नहीं कर सकती हूँ। जहाँ पति पत्नी में अति अनुराग और पितृ तथा देवताओं के निमित्त यज्ञ पूजन होता है, मैं वहाँ नहीं रह सकती। जहाँ उद्यमी, नीति कुशल, प्रियवादी, धर्मात्मा और बड़ों की पूजा में लीन रहते हैं, मैं वहाँ नहीं रह सकती। जहाँ दिन रात स्त्री पुरुष में लड़ाई होती है और जिस स्थान पर अतिथि निराश होकर लौट जाते हैं, जहाँ पूज्य वृद्धों, सत्पुरुषों और मित्रों का अनादर होता है और जहाँ अति कठोर वाणी बोली जाती है, दुराचारी तथा दूसरों के धन को चुराने वाले पर स्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, जहाँ नित्यश गौओं का वध होता है, मद्यपान करते हैं, ब्रह्म हत्यादि पाप होते हैं, मैं वहाँ प्रसन्नता पूर्वक रहती हूँ, सूत जी ने कहा। इस प्रकार उसकी वाणी सुनकर उद्यालक मुनि का मुख दुखी हो गया। अलक्ष्मी के कहे हुए वाक्य को सुनकर मुनि चुप रह गए। कुछ देर में फिर भी उस अलक्ष्मी से उद्यालक जी कहने लगे, अच्छा, ऐसे स्थान की तुम्हारे लिए मैं खोज करता हूँ। जब तक मैं तुम्हारे रहने के योग्य स्थान ढूंढकर ना आ जाऊँ, तब तक तुम इसी पीपल के वृक्ष के नीचे स्थिर होकर बैठी रहो। श्री सूत जी बोले कि उद्दालक उसको वहाँ बैठाकर स्थान ढूंढने चले गए। बहुत काल तक उनकी प्रतीक्षा करने पर भी जब वे नहीं दिखाई पड़े, तब पति के परित्याग करने से दुखित होकर वह दरिद्रा रोने लगी। उसके करुण रोदन को लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में सुना और विष्णु भगवान से व्याकुल मन होकर कहने लगी, हे नाथ, मेरी बड़ी बहन दरिद्रा पति के त्याग देने के कारण बहुत दुखी है। हे कृपालु, यदि मैं आपकी पत्नी हूँ तो उसको आश्वासन देने के लिए आप जाइए। इस प्रार्थना को सुनकर कृपा सिंधु विष्णु भगवान लक्ष्मी के साथ वहाँ गए। उस दरिद्रा को ज्ञान देते हुए विष्णु भगवान कहने लगे, हे अलक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सर्वदा के लिए स्थिर होकर निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और
इसमें मेरा ही निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थ प्राणी तुम्हारा पूजन करेंगे, उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी स्थिर होकर रहेंगी और विविध प्रकार के उपहारों से स्त्रियों को अश्वमेय तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। प्राणी मात्र को चाहिए कि पुष्प धूप गंधादिकों से तुम्हारी पूजा करे, तभी उन प्राणियों के प्रति लक्ष्मी जी सदा प्रसन्न रहेंगी। श्री सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण सत्यभामा का तथा पृथु और नारद का संवाद तुम लोगों को मैंने सुना दिया, अब तुम्हें क्या सुनने की इच्छा है मुझे विस्तार से कहो। उसे मैं विस्तार पूर्वक कहूँगा। सूत जी की वाणी सुनकर शौनकादिक ऋषि हंसने लगे, आपस में कुछ भी ना कहकर चित्र की भांति अवाक होकर बैठे रह गए। फिर सावधान होकर सबके सब बद्री नारायण जी के दर्शन को चले गए। जो प्राणी इस कार्तिक महात्म्य को सुनाता अथवा स्वयं सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु भगवान का सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। 34वां अध्याय संपूर्ण। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।